सर उमर साहब जम्मू पहुंच रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, और रेजोल्यूशन एक पारित किया उन्होंने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देने का, आप किस तरह देखते हैं इसको? इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, मिशन स्टेटहुड और तमाम कश्मीर के संगठन और जम्मू के संगठन, हम 5 अगस्त 2019 के बाद हमने जो जंग का ऐलान किया था और 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट से ये जंग जीत करके आए थे कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए और 30 सितंबर से पहले पहले चुनाव करवाए जाए, और आज ये इसका हम स्वागत करते हैं कि रेजोल्यूशन पहली कैबिनेट मंत्री में उमर अब्दुल्ला साहब ने पास कर दिया। और ये वादा मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से लिया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और इसके साथ साथ मेरी दूसरी मांग भी मैंने उनके साथ रखी थी कि दरबार मूव भी शुरू होना चाहिए। और तीसरी मांग जो मेरी है वो ये है, अब मैं सरकार मेजॉरिटी की बन गई है और जम्मू के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, मिनिस्टर्स बन गए हैं, अगर और ज्यादा MLAs बनाए होते जम्मू के तो वो भी मंत्रिमंडल में आज शामिल होते, तो मेरी प्रायोरिटी तो ये है अब कि जितने भी PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स, रहबरे, खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, होम गार्ड्स, लैंड डोनर्स और SRO 43 के बच्चे, मनरेगा के बच्चे, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, इनको जो पक्का करने का वादा मैंने किया हुआ है, ये वादा मैं सबसे पहले इस सरकार के से करवाऊंगा। और कुछ एज रिलैक्सेशन की भी बातें हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले करती रही और लोगों के लिए इसने कुछ नहीं किया। अब आपने कहा कि रेजोल्यूशन को किस तरीके से मैं देखता हूं, तो मैं स्वागत करता हूं इसका, और मैं ये कहूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब 1,30,00,000 अवाम की नुमाइंदगी करके रेजोल्यूशन लेकर के दिल्ली आ रहे हैं, और 26 अक्टूबर असेशन दिन, विले दिन के पहले पहले दिन शर्तों के ऊपर इलहाक हमारे महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर का, डोगरा रियासत का इलहाक भारत के साथ करके गए थे, वो शर्तें लागू करें और साथ में रियासत के दर्जे की वापसी का ऐलान करें। अब मजे की बात देखिए, लोग खुश हैं, मेजॉरिटी की सरकार बनाई है, 5 अगस्त 2019 के फैसले मंजूर नहीं है, रियासत को तोड़ना, यूनियन टेरिटरी बनाना, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से स्टेट सब्जेक्ट को छीनना, जम्मू कश्मीर की आवाम ने ठुकराया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भारी हार हुई है। अब मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अभी भी आंखें खुल नहीं रही, अभी भी समझ में नहीं आ रही, उनके तरुण चुग, जितेंद्र सिंह मेंबर पार्लियामेंट, PMO मंत्री और कुछ केंद्रीय नेता ये कह रहे हैं कि मोदी जी के 5 अगस्त 2019 के फैसले, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के फैसले को कश्मीर के लोगों ने, पीर बंजाल के लोगों ने, चिनाब वैली के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने मंजूर कर लिया, कबूल कर लिया। अरे भाई आप हार रहे हैं, मेजोरिटी की सरकार बन रही है, 370-35 स्टेट सब्जेक्ट की वापसी और नौकरियों को लेकर के, उस रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के वो सरकार बनी है, इसलिए मैं रियासत के दर्जे की जंग और 370 की जंग जारी रखूंगा। अगर 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 मंजूर किया था तो कश्मीर में कमल क्यों नहीं खिला? वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो पत्रकार मित्रों ये मैं पूछना चाहता हूँ, अगर 5 अगस्त 2019 के एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 का फैसला मंजूर किया है, यूनियन टेरिटरी बनाने का, डोगरा रियासत को तोड़ने का, जम्मू कश्मीर लद्दाख का बंटवारा करने का, हम तो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख POK गिलगित बलूचिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए, हम ये इसकी तरफ हम काम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ मीडिया इनके प्रभाव से बाहर नहीं आ रहा, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज भी मैं देख रहा था, हमने तो स्वागत किया है, खुले गर्म जोशी से स्वागत किया है, चीफ मिनिस्टर जम्मू आ रहा है उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी भी छवि को खराब करने के लिए ये बता रहा है कि बड़ी मुखालफत हो रही है स्टेट सब्जेक्ट स्टेटहुड के रेजोल्यूशन को पारित करने की। क्यों भाई, किस बात की मुखालफत कर रहे हैं आप तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की ABC टीमें हैं, जमात इस्लामिया और इंजीनियर रशीद, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और ये किस बात की आपको हजम नहीं हो रहा, ना भारतीय जनता पार्टी को हार हजम हो रही है, ना ये रेजोल्यूशन हजम हो रहा है, और ना कश्मीर के जो इनकी टीमें हैं उनको। अब ये देखिए, इनके गद्दार नेता हारने के बाद जम्मू को अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, जो हम नहीं होने देंगे, ना जम्मू अलग स्टेट बनेगा ना कश्मीर अलग स्टेट बनेगा, नंबर एक। नंबर दो, इनके ये जो हारे हुए नेता हैं, जैसे रविंदर रैना हार गए पीर पंजाल से, और भी जो इनके वो
चौधरी वोदरी हैं जहाँ वो हार गए, तो वो कहते पीर बजाल को, पुंछ रजौरी को, पुंछ रजौरी मेंढर को यूनियन टेरिटरी बना दो। अरे आप जम्मू कश्मीर के अच्छे नुमाइंदे हैं कि आप जम्मू कश्मीर को खुद ही बर्बाद करने को लगे। इसी तरीके से चुनाव वाली से भी मांगे, अब कभी ये कहते हैं कि जम्मू से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। जम्मू से रिप्रेजेंटेशन मिली या ना मिली, लेकिन जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा इस गठबंधन सरकार के साथ है। जम्मू कश्मीर के जम्मू सांबा जिले की नुमाइंदगी जैसे मैं पहले करता था आज भी करूंगा। जो वादे नौजवानों के साथ किए हैं उनके वादे पूरे करूंगा और सभी को पक्का करूंगा। दरबार मूव शुरू करूंगा, स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर बंद करवाऊंगा। अब ये कह रहे थे कि हम फ्री बिजली देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, तो 1,30,00,000 आवाम के घरों में सोलर प्रोजेक्ट लगा के दीजिए ना। ये कह रहे थे अगर इन बच्चों को पक्का नहीं किया तो 10 दिन में इस्तीफा दे देंगे, तो आप दीजिए इस्तीफा। अभी 10 दिन हो गए आपको और आप इनको पक्का नहीं करवा सके, क्यों झूठ बोल रहे हैं? अभी इनको डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बड़ा कमजोर है और ये अपसेट बुखलाहट में फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ये खुशखबरी मैं आवाम को दे दूं कि जल्द ही रियासत का दर्जा वापिस मिलने वाला है।